બ્રેક બાદ હવે આગળ વાત કરીએ તો સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિમ્મતનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ફાયર મોકલિંગ અને ફાયર સિસ્ટમનું ટેસ્ટિંગ કરાયું. અમદાવાદના સાહીબાગ સ્થિત રાજસ્થાન હોસ્પિટલના બેઝમેન્ટમાં આગ લાગવાની ઘટના બનાવ સામે જિલ્લાની સિવિલ હોસ્પિટલમાં આવો કોઈ બનાવ ન બને તેની સાવચેતીના પગલે સાબરકાંઠા જિલ્લામાં GMERS મેડિકલ કોલેજ સંલગ્ન જનરલ હોસ્પિટલ हिम्मतनगर खाते फायर मॉकड्रिल और फायर सिस्टमनु टेस्टिंग करवामां आव्युं हतुं. आ फायर मॉकड्रिल हॉस्पिटलना बेजमेंटना लाइव फायर सर्गावीने स्टाफ द्वारा फायर टेस्टिंग करवामां आव्युं हतुं તેમજ स्मोकना कारणे एक व्यक्तिनु रेस्क्यू कर्युं हतुं जेनो एम्ब्युलन्स द्वारा हॉस्पिटलमां खसेडवामां आव्यो हतो. GMERS मेडिकल कॉलेजमां अने स्टाफ रहेणांक विस्तारमां फायर सेफ्टी सिस्टमनु टेस्टिंग करीने मेडिकल कॉलेजना स्टाफने कई रीते आपत्कालीन स्थिति में बचाव कार्य करी शकाय तेनुं लाइव निर्देशन करवामां आव्युं हतुं. आ फायर मॉकड्रिल अने फायर सिस्टम टेस्टिंग में डीन डॉक्टर राजीव दिवेश्वर, मेडिकल सुप्रिटेन्डेंट श्री डॉक्टर परेश शीलादरिया, आसिस्टंट डीन डॉक्टर जाधव, वहीवटी हिसाबी अधिकारी PD दामोर, विपुल जानी अने फायर ऑफिसर नजरअली मसू और तेमनी समग्र टीम उपस्थित रही फायर मॉकड्रिल और फायर सिस्टमनु सफल टेस्टिंग कर्युं हतुं. उमंग रावल, ZSTV, हिम्मतनगर.